ना घंटों से घंटों के हिसाब से कुंडियां पिट रही है, मगर जो कान पे जू रिंग जाए हमारी औलादों के, जब देखती क्यों नहीं कौन है कुंडी पे। अच्छा हमारी से है भरी टिरे से आ रही हो, भरी टिरे से आए छोटी भारी हो रही है हमारा हिस्सा। टकराई थी तोरिया नजर हो जाती है, फौरन हिस्से को फौरन नजर हो जाती है। हमारे तो वैसे मोहल्ले भर की औरतें आंखें लगाए बैठी होंगी, गुलाबशा शब्बो के वहाँ क्या ले जा रही है, शब्बो गुलाबशा के वहाँ क्या ले जा रही है। तोरिया रख लू मैं, हैंड टावल हमारे कम है, तुम वैसे बहुत दिनों में देती हो वापस। आई है ये क्या धोखा था, तोलिया के ऊपर से तो लग रहा था भरा पड़ा होगा, तोलिया के अंदर से ये निकला। तुम ये थैली में लेके आती हूँ बड़ी सारी, तुम्हें लगता बहुत पिनिया बैन कर दी है सरकार ने। हाँ तो मैं इसमें लेके आया अल्मीनियम फॉइल में, अल्मीनियम फॉइल प्लेट भी ले जाती हूँ, तुम्हारे यहाँ से प्लेट भी नहीं आती। फिर बचा क्या, पांच की छह हिस्सा भी ले जाओ बिन्ना। खैर चलो 14 को रखो, फ्रिज में जगह बना के रखूंगी, फ्रिज में जगह ही कहाँ है। कहना कैसी गुजरी, कितनी ईद जमा हुई, शायस्ता की तो 560 रुपए हो गई पूरे। शायस्ता की किसने लॉटरी लगा दी, अरे उसके मामू वामू बहुत। अच्छा रेशमा की ससुराल से भी तो आती है। हाँ, 100 रुपए आई थी सारे बच्चों। अरे माशाल्लाह से 100 रुपए में भी 1000 होगा माशाल्लाह इतने बच्चे हैं घर में। रेशमा की अलहदा से आई थी। अच्छा 500 रुपए पूरे 500 सूट और चूड़ी वूड़ी सब, चूड़ी सैंडल परस सब आया, लिपस्टिक पाउडर सब। बात सुनो आप, तुम शादी कर दो अगर इस तरह से तुम उसकी लिपस्टिक पाउडर खरीद पे आते रहेंगे तो उसका तो जहेज वही तैयार कर देंगे, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़े। कह रही थी मेरे तो दिल पे बोझ है, माँ बाप के दिल पे तो बोझ रहता है, मगर वो लड़का जो है पढ़ाई करने गया है, रिश्ते लगाए लगाए इतने महीनों हो गए। क्या पढ़ाई कर रहा था वो, कौन 2 साल की जो होती है क्या बिजनेस वाली। और बताओ एमबीए कर रही है। अच्छा एमबीए कर रही है, कर रही होगा तुम कह रही हो, भारत से कर रही है। अच्छा मैं खुद सोच रही थी आऊंगी आऊंगी आऊंगी, मगर चर्बी अलग करते करते मेरे तो पट्टे दुख गए, मुझसे कहा आवाज आ रही है। मैंने इस मारे का मैंने कहा गुलाबशा को इतनी अपनी बहन की पड़ी होगी, अपनी पड़ोसी की पड़ी होगी तो खुद आएंगी। ना मैंने तो सोचा था मैं आऊंगी खुद, मेरा भी बकरा इतना तो देखो ऐसी रहता है। हाँ कितना काम रहता है, बहुत ये लड़कियां ही हमारी तैयार होके सूट पहन के फिर ली, लड़के तो हमारे सुबह से बेचारे पहले वहां चले गए थे ईदगाह, उसके बाद इसमें लग गए कुर्बानियों में, फिर उसके बाद बेचारे हिस्सा देते फिर रहे बेचारे घर में। हाँ। एक दिन में काला हो गया कौन हमारा मोहम्मद किया, उसका तो दबा हुआ ही है रंग ना, ऐसे तो दबा हुआ नहीं, कायनात से ज्यादा ही है, कायनात से 20 है 19 नहीं है। कायनात से क्या मुकाबला कर रही हो तुम उसका। खैर बच्चों की ईद नहीं होती मेरे ख्याल में, लड़कियों की ईद है, फिरती फिर रही है पूरे पसीने लालिये पोत के। हाँ लालिये पोत के परस टांग के। हाँ सही कह रही हो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं ये कह रही हूँ कुछ खाओगी क्या, मैंने तो दही भल्ले बनाए थे बस, और छोले बनाए थे और कबाब बनाए थे, और मैंने बाकी मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने कहा जब आएगा जैसे जैसे वैसे वैसे बना लूंगी मैं। क्यों रेहाना बाजी कह रही, तुमने इष्टू रोटी खिलाई है उनको रात, तुम्हें हमारे इष्टू ने भिजवाया, इतना सारा इष्टू भिजवा देती तो। हाँ उसका इंतजार कर रही थी मैं कि हिस्सा आएगा तो बनाऊंगी, अब बनाऊंगी इष्टू प्याज वाला। हर बार ही धोखा दे देती हो तुम, हमें डिच्चू दे देती हो, कभी इष्टू नहीं खिलाती, भूनना बहुत पड़ता है ना रेहाना के बच्चों के, भून सकती है हमारे लिए नहीं भून सकती, कैसी बात। हाँ और क्या, तुम्हारा इच्छा पूरे में कौन काम आता है। ना गलत बात, मैंने तुम्हारा अलहदा से रखा है, कैसी बात कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए कलेजी भी बनाई है, मेरा कलेजा नहीं है तुम। टेंशन इस बात की हो रही है बस, टेंशन वर्ड दिमाग ने सुना और इस नरे मेरी हालत हो गई। अल्लाह बेटे अम्मी के लिए नींबू पानी बना, नहीं तो वो है करके पूरा मोहल्ला सर पर डालेंगे। ना ना ना, ना नींबू बहुत महंगे रहने दो, नींबू पानी वानी कुछ नहीं पी, अरे बहुत ही महंगे हैं, ठंडा दूध पी लूंगी। हाँ ठंडा दूध लिया रोजा डाल के जरा सारा, रोजा ही बहुत महंगा हो रहा है, किसी ने सोचा था। अरे पारे तुम रेन दो, हमारे बच्चे सारा रोजा की बोतल मेट देंगे। अब मुझे इस बात की टेंशन हो रही है, मेरा ना ज्यादा था हिस्सा, मेरे घर से भी आ गया था ना बहुत सारा, और मोहल्ले पड़ोस का भी आ गया। अब मैंने ना उनके यास्मीन के फ्रीजर में रखवा दिया, उनका बहुत बड़ा फ्रीजर है। हाँ उनका पूरा, हाँ जुगनू खासा बड़ा फ्रीजर है उनका, डीप फ्रीज उनके ना, वहां मैंने रखवा दिया।
अब मुझे ये टेंशन हो रही है जब उन्होंने देखा मेरा खिला खिला गुलाबी हिस्सा, अरे तो बोली हाँ चक बिना चर्बी का, बोली अरे बहुत अच्छा आपका तो हिस्सा बहुत अच्छा, नजर हो गई होगी अब नजर की तो मुझे इतनी नहीं है जितनी मुझे इसकी है कि वो पका नहीं ले और फिर बाद में कह देंगे कि वो आपका हिस्सा थोड़ी था आपका तो ये है। अरे ये भी तो बहुत करती है, वो करती है ऐसा बहुत करती है। मुझे लग रही है उन्होंने फ्रीजर ये खांचे मारने के लिए लिया कि हर हर उस पे मैं जो हूँ इनका हिस्सा रख लूँ और उसका हिस्सा रख लूँ। वो चाहती है पूरे मोहल्ला का खाना उनके बच्चे के पेट में पहुंच जाए, ये कोई तरीका नहीं हुआ। हमें नहीं पसंद आई ये बात, हाँ नहीं तो। अच्छा मैं कह रही हूँ रात में गीला गीला कलेजी का शोरबा बनाऊंगी, खाओगी? हाँ बिल्कुल, मैं आ जाऊंगी सारे बच्चों को लेके आ जाऊंगी, मियाँ को भी लेके आ जाऊंगी, उनको कलेजी बहुत पसंद है। ना मैं आ जाऊंगी ना, ये तो दावत हो गए हमारी, चलो बच्चे दावत है आज हम आएंगे, नया वाला सूट पहन के, दो सूट बन गए थे इस दफा मेरे, तो हम पे ही निकाल लोगे? हाँ चलो बच्चों कोई बात नहीं, मगर ज्यादा ताम झाम नहीं करेंगे, जो है वही खिलाऊंगी, कोई तुम सोचो कि तीन चार चीजें बनेंगी।